जय श्री राम। मैं डॉक्टर उमाश्री अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ शनि प्रधान व्यक्तियों के बारे में। शनि प्रधान व्यक्ति उन्हें बोलते हैं जिनका जन्म कुंडली के हिसाब से मकर या कुंभ लग्न हो, या लग्न में शनिदेव विराजमान हो, या लग्न को शनिदेव दृष्टि से अपनी दृष्टि से देखें। वो दृष्टि तीसरी भी हो सकती है, सातवीं भी हो सकती है, दसवीं भी हो सकती है। स्पेशली जब लग्न भी मकर या कुंभ हो और उसको शनिदेव देखें, या लग्न में स्वग्रही होकर शनिदेव बैठ जाएं, स्थित हो जाएं, तो पूर्ण रूप से वो व्यक्ति शनि प्रधान कहा जा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा के साथ भी यदि शनि बैठा हुआ है या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, तो भी हम उस व्यक्ति को शनि प्रधान व्यक्ति मान सकते हैं। यदि लग्नेश शनि के साथ बैठा हुआ है तो भी व्यक्ति पर शनि का प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अंक ज्योतिष के हिसाब से जिस जातक का जन्म मूलांक 8 को हुआ है, 17 को हुआ है या 26 को हुआ है, अर्थात 8, 17 और 26 तारीख को जो जातक पैदा हुए हैं और उनका मूलांक 8 बनता है, ऐसे व्यक्ति भी शनि प्रधान व्यक्ति कहे जा सकते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति एक रहस्यमय व्यक्ति होते हैं। उनको भीड़भाड़ से नफरत होती है, भीड़भाड़ में जाने में वो बहुत ही कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और जहाँ तक हो सके वो भीड़भाड़ से दूर रहने की कोशिश करते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति अकेलेपन को बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि जब विवाह की बात आती है तो भी वो इसमें बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाते और जीवन में कई बार वे कुंवारे भी रह जाते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति जन्म से ही शक्के स्वभाव के होते हैं और उन्हें दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता है। हर चीज़ पर गहराई तक जाने की उनकी आदत होती है और बहुत विश्लेषण करके किसी बात के बारे में वो विचार करते हैं, उसकी चारों तरफ से जांच पड़ताल करने की उनकी आदत होती है। शनि प्रधान जो लड़कियाँ होती हैं वे भी काफ़ी शक्के स्वभाव की होती हैं। यही वजह है कि उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अधिक सुखद नहीं देखा गया है। इसके अलावा शनि जिन कुंडलियों में बहुत पावरफुल होता है, उच्च का होता है, वो व्यक्ति मनमानी करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आते और बहुत रिजिड टाइप के होते हैं और अपनी जिद पर अड़े रहना उनकी आदत होती है। यहाँ आप थोड़ा सा फर्क करना इसलिए आवश्यक है कि जो सूर्य प्रधान व्यक्ति होते हैं उनकी जो जिद होती है वो थोड़ी सी अलग किस्म की होती है, क्योंकि वो नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ अभी शनि पर ही अपना केंद्रित कर रही हूँ चर्चा, तो मैं और ग्रह की आपसे बात नहीं करूँगी, अभी मैं शनि पर ही प्रकाश डालूंगी। शनि जो है अंधेरे के कारक हैं, आलस्य के कारक हैं, काम को डिले करने के कारक हैं। तो शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनकी भी आदत होती है कि वे जैसे कुछ काम होता है तो अंतिम डेट का इंतजार करते हैं और तब जाकर वो काम करते हैं। जहाँ तक वो उनको काम को खींचने की आदत होती है, बहुत जल्दबाजी में वो कोई काम नहीं करते हैं। उन्हें बहुत अधिक प्रकाश में रहना, रोशनी में रहना पसंद नहीं होता है, उन्हें एकांत में अंधेरे में रहना पसंद होता है और दर्द भरे पुराने गाने सुनना उन्हें पसंद होता है। यदि शनि प्रधान व्यक्ति फिल्म जगत में होते हैं या कोई राइटर होते हैं तो उन्हें रहस्यमय कहानियाँ, भूत प्रेत की कहानियाँ, सर्पों की कहानियाँ लिखना पसंद होता है और इस पर वो फिल्म भी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं उनको सांपों के सपने भी बहुत ज़्यादा आते हैं और भूत प्रेत के सपने भी उन्हें बहुत ज़्यादा आते हैं। कई बार जब उनका चंद्रमा भी पीड़ित होता है तो ऐसे व्यक्ति चौराहे पर पैर पड़ना, भूत प्रेत संबंधी व्याधि होना, प्रेतात्माओं का उनके भीतर प्रवेश करना जैसी बातों से ग्रस्त पाए गए हैं। उनका मनोबल और जो मन का स्तर होता है वो काफ़ी कई बार तो बहुत ही निम्न स्तर पर आ जाता है और वो काफ़ी अधिक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हीन भावना भी उनमें बहुत अधिक होती है। शनि प्रधान व्यक्ति प्राय श्याम वर्ण के होते हैं, लेकिन कई कई केस में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा काले नहीं होते हैं और ठीक ठाक उनका स्वरूप होता है। लेकिन उसके लिए हो सकता है, हो क्या सकता है, मतलब ये सत्य ही है कि दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम खाली एक ग्रह की बात नहीं कर सकते। यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ वो प्योर शनि प्रधान लोगों की बात कर रही हूँ, तो इसलिए अगर कहीं सौंदर्य किसी को प्राप्त होता है तो उसके लिए दूसरे ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति प्राय बहुत सुंदर नहीं होते हैं और उनको बहुत अधिक अट्रैक्टिव नहीं माना जाता और लोग प्राय उनके दीवाने नहीं होते हैं।
उनको जो होता है अपना सौंदर्य प्रसाधनों पे वो खर्चा नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। कपड़े भी वो बहुत पुराने टाइप के पहनते हैं, जैसे बहुत जल्दी जल्दी अपना ड्रेस चेंज नहीं करते वो। अगर कोई कपड़ा कई सालों से पड़ा है तो वो उसको वेस्ट में नहीं डालते, बल्कि उसका यूज़ करते रहते हैं। पुरानी चीज़ों को संभाल के रखना उनकी बहुत पुरानी आदत होती है। इसके अलावा उनके घर का जो फर्नीचर होता है वो अत्यंत ट्रेडिशनल टाइप का होगा या बहुत ही एंटीक होगा, और बहुत मॉडर्न स्टाइल का वो पसंद नहीं करते हैं। उन्हें मटमैले डल कलर बहुत भाते हैं, और यही कलर उनके आप घर में देख सकते हैं। इसके अलावा उनके घर में काफ़ी सारा पुराना सामान, लोह लक्कड़, ये सब आपको मिल जाएगा, और पुराने वस्त्र, किसी ने कुछ गिफ्ट में दिया है तो बहुत सालों पुरानी चीज़ें, इवन मन में जो पुरानी यादें होती हैं उसको भी बहुत ज़्यादा सहेज कर रखते हैं वो। और कई बार अकेले में रोते भी हैं वो, उदास भी होते हैं, लेकिन अपनी इन बातों को वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये उनकी एक मूल प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा जो शनि प्रधान लोग होते हैं उनकी जो आदत होती है, कुछ अजीब तरह की आदतें उनके अंदर होती है, जैसे कि किसी की बात से वो आसानी से सहमत नहीं होते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते वो, लेकिन उनकी जो आदत होती है वो बहुत ज़्यादा ये होती है कि वो अपनी बात रखते हैं, दूसरे की बातों में नहीं आते हैं बिल्कुल भी। तो ये भी उनका कई बार नेगेटिव बन जाता है उनके लिए, और लोग उनको नापसंद करने लगते हैं और उनसे कन्नी काटने लगते हैं। इसके अलावा शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनको नहाने से चिढ़ होती है कई बार। कुछ तो ऐसे ऐसे जो प्योर शनि प्रधान की बात कर रही हूँ मैं, वो कई कई सप्ताह तक नहाते भी नहीं है, एक कपड़े को वो कई बार पहनते हैं, ये भी उनकी आदत होती है। तो शनि प्रधान व्यक्ति कुल मिला के इस तरह से होते हैं। उनको जो शारीरिक आकार होता है बहुत इम्बैलेंस होता है, कोई उनका जो अंग है कोई टेढ़ा भी हो सकता है, हाथ पैर टेढ़े हो सकते हैं उनके, ये भी उनके एक जो नैसर्गिक स्वरूप है उसके अंतर्गत आता है, इस तरह का ही उनका स्वरूप होता है। जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं वो मस्तिष्क पर विशेष रूप से शनि का जो अधिकार होता है, तो उनको मस्तिष्क संबंधी जो बीमारियां होती हैं, पैरों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी अधिक होती है। इसके अलावा जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं वे अक्सर डरावनी और भयभीत करने वाली बातें करते हैं, जिससे कि लोग कई बार भय खाते हैं और उनसे अधिक मेलजोल नहीं करते हैं। शनि प्रधान व्यक्तियों की जो खास बात है ये है, जो विशेषता है वो ये है कि उनको अपने काम से ही प्यार होता है, दूसरों को का ना तो वे इंटरफेयर पसंद करते हैं और ना दूसरों के मामले में वे हस्तक्षेप करते हैं। तो यही वजह है कि जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह, अगर शनि बहुत पावरफुल है लेकिन उनके लिए शुभ है, कुल मिला के अगर उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई कारक है तो उनको बहुत ही अच्छी राज की नौकरी भी मिलती है, और जो शनि से कई बार कोई योग भी बन जाता है तो उनको वो ग्राम सेवक और अपने जो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक और एक जिसको बोलते हैं पुराने किले टाइप और दुर्ग टाइप भी उनके पास में होते हैं, जिसे वो काफ़ी सहेज कर रखते हैं। तो ये भी शनि प्रधान लोगों की खास बात होती है। यदि शनि प्रधान व्यक्तियों के लिए शनि योग कारक है और शुभ है तो उन्हें नीलम रत्न काफ़ी सूट करता है, लेकिन फिर भी उन्हें याद रखना चाहिए कि शनि का जो रत्न नीलम होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, और हमेशा उसको कुछ ना कुछ बांधकर एक बार पहले टेस्ट करके देखें, यदि वो सूट करता है उनको और कोई मन में कोई अशांति नहीं लगती है तभी ही वैसे धारण करें। इसके अलावा वो शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, रेगुलर शनि की वे पूजा भी कर सकते हैं, और व्रत वगैरह से भी उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। शनि प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वे लोह का व्यापार करना, तेल का व्यापार करना, लोह कबाड़ी का व्यापार करना, इस तरह के कार्य भी उनको सूट करते हैं। लेकिन जिन कुंडलियों में शनि शुभ नहीं है और योग कारक नहीं है उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए, और उन्हें जो जो चीज़ें शनि के लिए बढ़ावा देने वाली हैं उन चीज़ों से विपरीत ही कार्य करना चाहिए, जैसे कि मैले कुचैले कपड़े उनको नहीं पहनने चाहिए और साफ सुथरे कपड़े उनको पहनने चाहिए। लेकिन जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं वे प्राय इसी तरह के होते हैं। शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो मैरिज अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा लेट होती है, और इसका कारण ये होता है कि उनको अपने जीवन साथी से बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि उनका स्वयं का तो स्वरूप बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे ये मानते हैं कि उनका जो जीवन साथी हो बहुत ही आकर्षक हो, बहुत उच्च पद वाला हो, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं वो। तो यही वजह है कि उनको उनके अनुरूप जीवन साथी मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है और उनको काफ़ी इसके लिए परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। शनि जीवन में काफ़ी संघर्ष भी कराता है, ये अपनी उम्र से काफ़ी अधिक एज के भी लगते हैं कई बार, क्योंकि वो अपने अपने ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं। तो ये तो थी शनि से संबंधित जो खास बात मैंने आपको बताई, आपको ये कैसी लगी मुझे आप बताइएगा। और मेरे अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज्योतिष संबंधी और सभी ग्रहों संबंधी जानकारी मैं देती रहूंगी टाइम टू टाइम,
आज का मैं कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।